अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल का लेक्चर नंबर 1, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें हम कवर करने वाले हैं ग्रुप फर्स्ट ए की हम काफी सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। नंबर 1, निमोनिक्स, सैंबल्स, नेम्स, वैलेंसी, आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, और साथ में कुछ लैटिन वर्ड्स रखने वाले भी हम लोग नेम याद करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए पहले हम एक टेबल बनाएंगे और यहां हम राइट करेंगे निमोनिक्स, और सेकेंड नंबर पे जो हमारे पास चीज होगी दैट इज द सैंपल्स, और थर्ड नंबर पे जो हमारे पास चीज होगी दैट इज द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स, फोर्थ नंबर पे जो हमारे पास चीज होगी दैट इज द वैलेंसी, और फिफ्थ नंबर पर जो हमारे पास होगी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं ई से, और फिर हम देखेंगे इसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर को जाहिर करते हैं जेड से, फिर हम देखेंगे एटॉमिक मास जिसको आप लोग जाहिर करेंगे कैपिटल ए से। निमोनिक्स की बात करें तो काफी सारे निमोनिक्स है, बट जो बेस्ट है मैं वो आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए पहले हम इसके सैंपल राइट करेंगे। यहाँ हमारे पास होगा हाइड्रोजन, यहाँ हमारे पास लिथियम, फिर सोडियम, फिर हमारे पास पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीजियम, और एंड में हमारा क्या आएगा, एफ आर फ्रांसियम आएगा। अब निमोनिक्स देखें, एक निमोनिक्स तो ये बनेगा हाली ने की रब से फरियाद, हाली ने की रब से फरियाद, और दूसरा ये बनेगा लाई ना के, और आर बी से रब, और सी एस से सीज, और एफ आर से बनेगा फायर। तो लाई के लिए एल आई, ना के लिए एन ए, के लिए के, और रब के लिए आर बी, सीज के लिए सी एस, और फायर के लिए एफ आर। यहां हाली में की रब से फरियाद ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। नेम्स की बात करें, दिस वन इज अ हाइड्रोजन, दिस वन इज अ लिथियम, दिस वन इज अ सोडियम, दिस वन इज अ पोटाशियम, दिस वन इज अ रूबीडियम, दिस वन इज अ सीजियम, दिस वन इज अ फ्रांसियम। दिस इज द नेम्स ऑफ ग्रुप 1, जिन्हें हम लोग अल्कली मेटल्स का नाम देते हैं। अब एच से हाइड्रोजन, एल आई से लिथियम, एन ए से सोडियम तो नहीं बनता, वेरी इंपॉर्टेंट। तो एन ए जो है वो एक्चुअली लैटिन सैंपल है, लैटिन वर्ड से डिराइव किया है, और वो वाला जो लैटिन वर्ड है एन ए के लिए हम राइट करेंगे दैट इज अ नैट्रियम। तो अगर आपसे पूछ लिया कि एन ए से सोडियम तो नहीं बनता तो फिर क्या बनता है, तो बोलेंगे नैट्रियम, नैट्रियम इज अ लैटिन वर्ड। और इसी तरीके से के से आपको पोटेशियम तो नहीं बनता, ये भी एक लैटिन वर्ड से डिराइव है, के से हमारा बनेगा कैलियम, क्या बनेगा कैलियम, तो इसलिए के स्टैंड्स फॉर वर्ड आर कैलियम। वैलेंसी की बात करें तो सबके आउटर मोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन, एक ही सभी इलेक्ट्रॉन देंगे, तो इसलिए इसकी भी प्लस वन, इसकी भी प्लस वन, प्लस वन, जनरली सबकी क्या होगी प्लस वन, हाइड्रोजन कभी कभी माइनस वन भी शो कराता है, इलेक्ट्रॉन लेता है। और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो सबके आउटर मोस्ट शेल में वन वन इलेक्ट्रॉन होंगे, वन 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 इलेक्ट्रॉन होंगे। और एटॉमिक नंबर की बात करें तो सिंपल सा आपने ट्रिक याद रखना है, इसका एटॉमिक नंबर 1 और इसका 3, फिर आपने जब नेक्स्ट 2 मेंबर्स का निकालना है तो पहले वाले में 8 8 आपने जमा करने, 3 + 8 = 11, 11 + 8 = 19, तो इन दोनों में आपने कितने ऐड किए, 8 ऐड किए, और फिर नेक्स्ट 2 जो होंगे उनमें आपने 18 ऐड करने, सो 19 + 18 हमारे पास आंसर इज 37, सो रुबिडियम का 37, 37 + 18 तो हमारा कितना बनेगा 55, और जो एंड वाला मेंबर होगा उसमें आपने कितने ऐड करने हैं, 32 ऐड करने हैं, तो 55 + 32 आंसर इज 87। फिर से देखें 13, सो 3 + 8 = 11, 11 + 8 = 19, 19 + 18 = 37, 37 + 18 = 55, ये दोनों में कितना जमा करेंगे 18, और लास्ट वाला अगर होगा तो 55 + 32 आंसर इज 87। और एटॉमिक मास की बात करें तो आपने बस पहले 3 का याद रखना है, ये आपके काम आने वाला है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 और लिथियम का होगा आपके पास 6, और सोडियम का कितना होगा 23, और पोटेशियम का आपके पास कितना होगा 39, पोटेशियम का कितना होगा 39 होगा। ये हाइड्रोजन एंड लिथियम के एटॉमिक मास का ये ट्रिक काम नहीं करेंगे, इन दोनों में काम करेंगे। तो अगर आपके पास ऑड एटॉमिक नंबर है तो आप क्या करेंगे, उसे 2 के साथ मल्टीप्लाई करें फिर 1 ऐड करें, देखिए जरा 11 + 2 और फिर आप लोग क्या करें प्लस ऐड करें, तो 22 + 1 = 23 रहेगा एटॉमिक मास। इसमें भी यही रूल फॉलो होगा, देखें 19 है 19 × 2 = 38 + 1 = 39, तो इस ट्रिक के साथ जो है आप लोग क्या मास निकाल सकते हैं, बट ये वाला ट्रिक हाइड्रोजन एंड लिथियम पर जो है वो फॉलो नहीं होगा। एक और इंपॉर्टेंट बात, ये फिजिकल स्टेट की बात करें तो हाइड्रोजन हमारे पास गैस होगी, लिथियम भी सॉलिड होगी, सोडियम भी सॉलिड होगी, पोटेशियम भी सॉलिड होगी, रुबिडियम भी क्या होगी सॉलिड होगी, सीजियम भी क्या होगी सॉलिड होगी, और फ्रांसियम भी क्या होगी सॉलिड होगी।
हाइड्रोजन हमारी क्या होगी, नॉन मेटल होगी, और बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारी की सारी क्या है, मेटल्स होंगे, हाईली रिएक्टिव मेटल्स, अल्किली मेटल्स का हमने से नाम दिया। और दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द पीरियोडिक टेबल जिसमें हमने ग्रुप 1A को जो है वो डिस्कस किया है, और इसके बाद ग्रुप 2A हम स्टार्ट करें नेक्स्ट लेक्चर में। स्टे कनेक्टेड विद योर खूबसूरत सा चैनल इल डॉट।